हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के बारे में। अगर आप लोग का SBI में अकाउंट है और आप लोग अभी तक अपना SBI में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं किए, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा घर बैठे आप ATM कार्ड से किस तरह से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको सिंपल सा गूगल में आ जाना है। गूगल में आपको सर्च कर लेना onlinesbi.com। onlinesbi.com करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के दिखेगा। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आपको क्लिक कर देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लिक के बाद आपको पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग दिखेगा। आपको पर्सनल बैंकिंग में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको जो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। अकाउंट नंबर आपको नहीं पता तो आपके पासबुक में अकाउंट नंबर होगा, या फिर आपने ऑनलाइन अकाउंट खोला होगा तो उस पर भी आपका होगा जो लास्ट में मिला होगा आपको। CIF नंबर भी आपके पासबुक में होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कहाँ पासबुक में मिल जाएगा। ये पासबुक में आपको होगा, या फिर ऑनलाइन आपने अकाउंट जो खोला होगा लास्ट में जो आप सबमिट किए होंगे उसमें भी आपको CIF नंबर मिला होगा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रांच कोड फिल कर देना। अगर आप लोग को ब्रांच कोड अपना नहीं पता है तो आप यहाँ पासबुक में देख सकते हैं, पासबुक में आप लोग का प्रिंट होगा ब्रांच कोड, उसको आपको फिल कर देना है। या फिर आप लोग को नहीं पता अपना ब्रांच कोड तो यहाँ गेट ब्रांच नेम पर आप क्लिक करके अपना ब्रांच कोड को पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लोकेशन डाल देना है अपना ब्रांच का, जो भी लोकेशन है उसके बाद आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका ब्रांच कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंट्री अपना चूज कर लेना है। उसके नीचे में आप आइएगा तो आपको अपना रजिस्टर जो है, जैसे यहाँ पे कंट्री चूज कर लिए, आपका जो भी कंट्री है आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को आपको फिल कर देना है। जो मोबाइल नंबर आपने डाला था SBI अकाउंट खोलने वक्त, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप जैसे नीचे में आइएगा तो नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पर जो फैसिलिटी रिक्वायर्ड आपको मिलेगा। अब आपको किस तरह का फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए तो आपको सेट ट्रांजैक्शन लिमिट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहला फुल ट्रांजैक्शन राइट, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट और व्यू ट्रांजैक्शन राइट। तो व्यू में सिर्फ आप अकाउंट देख सकते हैं और उसमें कुछ कर नहीं सकते। लिमिटेड में आपको लिमिटेड सब कुछ करने को मिलेगा लिमिट ट्रांजेक्शन राइट में, और आपको फुल ट्रांजेक्शन में आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। वहाँ पे फुल अकाउंट का आपके हाथ में ही सारा कुछ होता है। हम लोग को फुल ट्रांजेक्शन राइट चाहिए, मतलब सब कुछ करने के लिए हम लोग को मिले, तो उसके बाद वो कर देना है फुल ट्रांजेक्शन राइट। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते एक मोबाइल, जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में डाला था उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। वो OTP को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना OTP फिल कर दे रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ ब्रांच विजिट, आई डू नॉट हैव ATM कार्ड। जो नीचे वाला जो है वो है आपको ब्रांच विजिट करके करना पड़ेगा, और जो ऊपर वाला है विदाउट ब्रांच विजिट है, मतलब आपके पास ATM कार्ड है तो आप तुरंत ही अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऊपर वाला, मतलब ATM कार्ड हम लोग के पास है, हम लोग को करना है। तो उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, आई हैव ATM कार्ड पर क्लिक करके। उसके बाद आपका यहाँ पर कार्ड शो कर देगा, जो भी कार्ड होगा आपका यहाँ पर, जितने भी अकाउंट होगा वो कार्ड यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो कार्ड का जो एक्सपायरी है मंथ और ईयर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी कार्ड पे आपका डाला हुआ है मंथ और ईयर, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसे फिल करने के बाद आपको जो है नीचे में अपना कार्ड होल्डर्स नेम में आपका जो कार्ड पे नाम है या फिर अकाउंट में खोला तो वो आपको नाम यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद जो है कार्ड का जो अपना ATM कार्ड का पिन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। कार्ड ATM पिन डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे में आपको अपना कैप्चा फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना पिन डाल दे रहा हूँ, पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही जो है आपका यहाँ पे एक मैं आएगा यूज़र नेम और आपको पासवर्ड सेट करना है। यूज़र नेम आप यहाँ पे वही सेट करिएगा अपना,
यूनिक सेट करिएगा और यहाँ पे चेक यूजर नेम एबिलिटी पे क्लिक करिए तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो यूजर नेम वो अवेलेबल है, आप ये रख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो आई एक्सेप्ट द टर्म कंडीशन पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे में आपको सारा टर्म कंडीशन बताया गया किस टाइप से आप जो है यूजर नेम और पासवर्ड रख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा, यहाँ पर चेक यूजर नेम पे क्लिक करेगा तो देखिए यहाँ पर आपको लिख के मैसेज आएगा यूजर नेम इज़ अवेलेबल, आप ये यूजर नेम आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन पे क्लिक कर दीजिएगा। आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन पे क्लिक कर तो अब आपको यहाँ पर जो है अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना है। तो लॉगिन पासवर्ड मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर और नंबर, मतलब चारों को मिला के आपको पासवर्ड स्ट्रांग बनाना कुछ इस तरह से जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस टाइप से पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसके बाद दोनों पे आपको कंफर्म लॉगिन पे क्लिक कर देना, फिर आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेट, अब जो है आपका इंटरनेट बैंकिंग सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। लेकिन अभी आप जो है अपना पैसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई आपको कुछ भी किसी को पैसे भेजना है या फिर कुछ भी करना आपको चेंज करना इंटरनेट बैंकिंग में तो वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए जो है आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो फिर से जो है आपको यहाँ पर क्लोज करके आपको मेन साइट पे चले जाना है जहाँ से आपने लॉगिन किया था। अब onlinesbi.com फिर से वो खोल लेना है और वहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करिए तो अब आपको यहाँ पर जो है आपसे यूज़र कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करिए। अब आपसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो जो यूज़र नेम पासवर्ड अभी आपने बनाया है उसे यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल दीजिए, उसके नीचे में अपना पासवर्ड डाल दीजिए और उसके नीचे में आपको कैप्चा फिल कर देना है। जो कैप्चा नीचे शो कर रहा है उस कैप्चा को फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना। अगर कैप्चा नहीं शो करे तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, रिफ्रेश करके पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो खुल गया है। मतलब जैसे आप अकाउंट पर एंट्री लिए हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अपना प्रोफाइल जो है पासवर्ड वो सेट करना है। तो अब इसके लिए भी आपको यहाँ पे एंटर प्रोफाइल पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। प्रोफाइल पासवर्ड उसी तरह बना लीजिएगा जिस तरह से अभी आपने पासवर्ड बनाया था, लेकिन वो डिफरेंट होना चाहिए आपके लॉगिन पासवर्ड से। लॉगिन पासवर्ड से वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो जैसे नीचे में यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एंटर अपना प्रोफाइल पासवर्ड। अब यहाँ पे जैसे प्रोफाइल पासवर्ड बना लीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दिए थे कि किस तरह से जो है आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड आप बना लीजिए, उसके नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड पे आपको वही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने ऊपर में बनाया है। उसके बाद आपको नीचे आना है तो अपना जो ये क्वेश्चन है हिंट क्वेश्चन, इसका आपको चूज कर लेना है। मान लीजिए आप कभी भी पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रिकवरी करने में ये ज़रूरी होता है, तो इसे भी आप लोग फिल कर लेगा। जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन चूज करने के बाद आपको वहाँ पर जो नीचे में हिंट आंसर में आपको उसका आंसर भी फिल कर देना है। आप भूल जाएगा तो उस टाइम आप इसे रिकवर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, तो अब यहाँ पर आपको आंसर अपना डाल देना है जो भी आपका है। उसके बाद जो है आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिख देना है। अब जिस भी प्लेस पे आपको जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करना। अब जो है आपका ये प्रोफाइल पासवर्ड वो सेट हो गया है। अब आप यहाँ पे किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर लेन देन कर सकते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप SBI में इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी या आनंद आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।